नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे जीएसटी की, और जीएसटी को ही हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी में हम लोगों ने और भी पहले बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, जाना है और समझा है। आज हम लोग समझेंगे कि जीएसटी के अंतर्गत कर संरचना क्या है, यानी और उसके साथ साथ प्रकार क्या हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर है वह क्या है, या फिर टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या हैं जीएसटी के, हम लोग समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे। इसके साथ हम लोग जो विशेष रूप से समझेंगे वह बात यह है कि केंद्रीय जीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, इसको हम लोग आज समझेंगे विशेष रूप से। यानी हमारा जो भी कोर टॉपिक है यही है कि केंद्रीय जीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताइए, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। पहले मैं बताता हूँ आप सभी को इन शॉर्ट में कि जो भी जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर है वह क्या है, किस तरीके से है। मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझाया हुआ है, देखेंगे आप लोग। जीएसटी का जो भी टैक्स स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। आप लोग देखिए, पहला इसमें आता है, इसको हम लोग टाइप्स भी तो कह सकते हैं, यानी इसकी संरचना क्या है, इसमें हम लोग इसको टाइप्स भी कह सकते हैं, यानी प्रकार भी कह सकते हैं। आगे पहला है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पूरा नाम याद रखेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, समझेंगे आप लोग आगे। दूसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे राज्य वस्तु एवं सेवा कर। तीसरा है यूटीजीएसटी या फिर यूजीएसटी, हम लोग इसको पूरा नाम कहेंगे यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या फिर केंद्र शासित संघ वस्तु एवं सेवा कर। और अंतिम आता है आईजीएसटी, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हमारे पास यह दिखाई देता है कि जो भी जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। यानी जब कभी भी आप लोग जीएसटी को समझेंगे तो आपको यहाँ पर ये चार तरह के टैक्स दिखाई देंगे, उन सारे के सारी बातों को क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा पूरी की पूरी जीएसटी को अच्छी तरीके से समझने के लिए और जानने के लिए। अब शुरू करते हैं कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, इसके बारे में कुछ विशेष बातें हम लोग समझते हैं और जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक मेरी वेबसाइट्स का, आप लोग वहां जाकर के पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम समझते हैं कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, यानी केंद्रीय जीएसटी क्या है। सीजीएसटी को इसके पहले के केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विसेज टैक्स को प्रतिस्थापित करके विक्रय सेलिंग यानी विक्रय मतलब सेलिंग संबंधी लेन देनों पर लागू किया गया है। आप लोग यहां पर डिटेल में समझेंगे कि जिस जगह पर सीजीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी जिस जगह पर सीजीएसटी आया हुआ है, उस जगह पर पहले पहले क्या था, पुराने टैक्स में जो भी इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम था पुराना वाला, जिसमें मैंने बताया आपको लगभग 17 तरह के टैक्स थे, तो वहां पर जो भी सीजीएसटी वर्तमान समय में है उस स्थान पर लगता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विसेज टैक्स, यहां पर समझेंगे जिसको हिंदी में कहा गया है उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विसेज टैक्स लगाया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिस तरीके से वर्तमान समय में सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है उसी के स्थान पर लगता था पहले क्या, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि जो सीजीएसटी है वह सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विसेज टैक्स को यहाँ पर प्रतिस्थापित करके यानी उसकी जगह पर आया हुआ है, लगाया गया है वस्तुओं की सेलिंग पर। आगे देखते हैं सीजीएसटी का प्रशासन एवं उपयोग।
केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जो भी CGST है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो CGST है उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और उसका जो यूज़ है, जो भी उसमें क्रेडिट आता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग कहते हैं, तो जो भी इसमें सारी की सारी चीज़ें हैं, वे सारी की सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा CGST को मैनेज किया जाता है। आगे है कि 1 जुलाई 2017 को सेनवेट, समझने की बात यह है कि जो भी पहले टैक्स सिस्टम था उसमें क्रेडिट होता था, तो सेनवेट के बारे में कहा गया है कि 1 जुलाई 2017 को सेनवेट क्रेडिट नियम 2004, जहां पे समझेंगे हम लोग सेनवेट क्रेडिट रूल 2004 के अधीन निर्माता एवं सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध और युक्त सेनवेट क्रेडिट शेष नई कर व्यवस्था को आगे लाया गया है। हम लोग समझेंगे कि जब 1 जुलाई 2017 को GST आया, क्या हुआ? 1 जुलाई 2017 को जब GST आया तो उस समय जो भी लोग पुराने टैक्स सिस्टम में थे उन लोगों के पास क्या था? सेनवेट था। क्या था जी? सेनवेट था। यानी यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सेनवेट क्या है? एक क्रेडिट होता है। जिस तरीके से हम लोग के GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमारे पास CGST का क्रेडिट, SGST का क्रेडिट क्या होता है, अलग अलग होता है, उसी तरीके से वहाँ पर सेनवेट क्रेडिट होता था। तो जो भी सेनवेट क्रेडिट नियम 2004 है उसके स्थान पर जब GST आया 1 जुलाई 2017 को, तो जो भी सेनवेट हमारा बचा हुआ था, जो भी व्यापारियों के पास सेनवेट यानी क्रेडिट बचा हुआ था, उस क्रेडिट को क्या कर दिया गया? जो भी अपयुक्त क्रेडिट थे, जो क्रेडिट अभी प्रयोग में नहीं लाए गए थे, तो उनको क्या किया गया? नई व्यवस्था में ला करके आगे कर दिया गया, यानी नई व्यवस्था में समाहित कर दिया गया, उनको लाभ दे दिया गया इसका। आगे कहा गया है कि 1 जुलाई 2017 को उपलब्ध रहतिया यानी स्टॉक में चुकता कर संबंधी क्रेडिट का अप्रयुक्त, जो प्रयोग नहीं किया गया है, शेष CGST में लाया गया। और इसी के साथ साथ जो भी स्टॉक से संबंधित क्रेडिट था लोगों के पास, व्यापारियों के पास, उस क्रेडिट को भी जो भी नई व्यवस्था आई GST, उसमें क्या किया गया? लाया गया जो भी CGST है उसके अंतर्गत। इस बात को आप लोग समझेंगे। आगे हम लोग समझेंगे कि CGST की विशेषताएं क्या होती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने समझा अभी कि CGST वास्तव में होता क्या है, किस तरीके से CGST आया। हम लोग समझेंगे कि जो भी CGST का सिस्टम है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इसको हम लोग समझेंगे। जिसमें हमारे पास समझने वाली बात यह है, पहला है कि CGST से पूर्व प्रचलित केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों, जिसमें हमारे पास उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं अन्य अतिरिक्त शुल्क को समाहित करके लागू किया जाता है। जो भी आप लोग समझेंगे GST से पहले जो भी सिस्टम था टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का, और जो भी कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था GST को कलेक्ट करने का, उसमें क्या था? उत्पाद शुल्क थे और उसके साथ साथ सेवा कर था यानी एक्साइज ड्यूटी, और क्या था? सर्विस टैक्स था। एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स मेनली, इसके अलावा और भी छोटे मोटे और भी टैक्सेस थे, उन सारे के सारे टैक्सेस को क्या कर दिया गया? बदल दिया गया, CGST में परिवर्तित कर दिया गया और CGST में लाया गया। तो यहीं पर कहा गया है कि CGST में क्या किया गया? समाहित करके लागू कर दिया गया CGST को, जब यहां पर GST आया तब। कब? 1 जुलाई 2017 को। दूसरा है CGST का प्रशासन एवं संपूर्ण राशि का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। CGST के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वे किस तरीके से लगेंगे, किन किन व्यापारियों पर कैसे कैसे लगेंगे, कितना क्रेडिट लेना है, कितना क्रेडिट देना है,
और उसमें कौन कौन से परिवर्तन कब कब आएंगे, इन सारी की सारी बातों की जानकारी और इन सब का मैनेजमेंट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। और जो भी टैक्सेस आते हैं इनपुट और आउटपुट के बेस पर, वे सारे के सारे टैक्सेस कौन मैनेज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार मैनेज करके चलती है। अगला है तीसरा वाला, CGST को इनवॉइस में जब कोई भी व्यक्ति व्यापारी इनवॉइस काटता है तो उसकी बात की गई है कि CGST को इनवॉइस में प्रस्तुत करते समय जब कोई भी इनवॉइस बनाया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकल हो या फिर हाथ से बनाया जा रहा हो, तो यहाँ पर जब कोई भी इनवॉइस बनाया जाता है तो इनवॉइस में CGST को प्रेजेंट करते समय यानी प्रस्तुत करते समय संपूर्ण राशि को नियमानुसार केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई भी गुड्स है जिसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 100 रुपये है, 100 रुपये पर 6% का GST लग गया, 6% नहीं 5% का GST लग गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5% का GST लग गया तो GST की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपये हो जाएगी ना। तो जब GST की वैल्यू 5 रुपये हो जाएगी तो 5 रुपये जब GST लग जाएगा तो इसमें क्या होगा, 2.5% CGST होगा, ठीक है ना, और 2.5% SGST होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पर 2.5 रुपीज़ जो भी CGST है, उस CGST को जमा कराया जाता है कहाँ पर, जो भी संपूर्ण राशि है उसको जमा कराया जाता है कहाँ पर जी, केंद्रीय सरकार के खाते में। यानी जो भी CGST का अमाउंट है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। इसको भी आप लोग समझेंगे और नोट करेंगे। अब चौथा समझेंगे, दिया गया है कि GST की लागू दर का आधा भाग CGST होता है। जब GST लागू होता है तो जो भी GST आता है किसी भी व्यापारी से, उसका जो भी आधा भाग होता है वह CGST होता है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है 2.5 रुपीज़ CGST है और 2.5 रुपीज़ SGST है। तो आधा किसके पास जाएगा, आधा जाएगा यहाँ पर किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यह क्योंकि यहाँ पर जो आधा है वो क्या है, CGST का पार्ट होता है। पांचवा और यानी अंतिम है कि CGST के प्रशासन हेतु CGST एक्ट 2017 एवं CGST रूल्स 2017 अधिसूचित किए गए हैं, न्याय क्षेत्र संपूर्ण भारत है। यानी किस तरीके से CGST लागू किया जाएगा और किस तरीके से CGST मैनेज किया जाएगा, तो इसके जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वे सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस समाहित हैं, लाए गए हैं किसके द्वारा, CGST एक्ट 2017 और CGST रूल्स 2017 में जो भी बातें हैं उन्हीं के द्वारा CGST को मैनेज किया जाता है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम लोगों ने समझा कि यहाँ पर कर संरचना एवं प्रकार यानी स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं GST के अंतर्गत। यहाँ पे हमने क्या किया, समझ लिया कि CGST, SGST, UTGST जिसको हम लोग UGST भी कहते हैं और IGST, ये चार तरह के स्ट्रक्चर में टैक्सेस दिखाई देते हैं GST के, और इनमें से चारों में से हमने अभी समझा कि CGST क्या होता है। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि CGST क्या है और CGST में कौन सी विशेष बातें कही गई हैं जो हम सभी को जानना चाहिए। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताइए, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें कि वे भी अच्छी तरीके से GST को पढ़ सकें और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.